नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम धामी ने छात्रों के साथ तन्मयता से सुना कार्यक्रम ये कही बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर में छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाने, एकाग्रचित मन के लिए प्रेरित किया है। साथ ही उन्होंने छात्रों को कई टिप्स भी दिए। पर्यटकों के लिए खुले गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट, शुरू हो गई बुकिंग। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। आज से लेकर नवंबर तक पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क की सैर कर सकेंगे। बीते 2 सालों से कोरोना के कारण यहां पर नाममात्र सैलानी आ रहे थे। इस बार उम्मीद है कि बड़ी संख्या में पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करने आएंगे। इस बार यात्रा सीजन से पहले एडवांस बुकिंग आनी शुरू हो गई है। वहीं अब पर्वतारोहियों को भी बुकिंग आनी शुरू हो गई है। LT कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने राज्य में LT कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि हाईकोर्ट ने LT कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को शुक्रवार को हटा दिया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए भर्ती रोकने संबंधी याचिका को भी खारिज कर दिया है। डॉक्टर नीति उनियाल विवाद, CS ने स्वास्थ्य सचिव से की बात। यूथ कांग्रेस ने कहा पंकज पांडे को करे निष्कासित। डॉक्टर नीति उनियाल मामले में सीएम की सख्ती के बाद मुख्य सचिव SS संधु ने स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे से बातचीत की। वहीं चिकित्सक एसोसिएशन ने हाथ पीछे खींच लिए। उधर यूथ कांग्रेस ने एसले हॉल चौक पर स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का पुतला फूंककर उन्हें निष्कासित किए जाने की मांग की है। डॉक्टर नीति उनियाल के मामले पर सीएम सख्त, तबादला रोका। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार करेगी जांच। दून मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल ने गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे दिया था। इस पर उनका तबादला अल्मोड़ा कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर सख्ती दिखाई। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर निधि का तबादला रोकने के आदेश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मामले की जाँच के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिया। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर संधु ने अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को उपरोक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जाँच करते हुए अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। गरीबी और जिम्मेदारी ने पंजाब के दीपक को बना दिया स्टैचू कलाकार, इतना कमाते हैं रोज। गरीबी और जिम्मेदारी ने पंजाब के दीपक को स्टैचू कलाकार बना दिया। दीपक हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर स्टैचू बनकर पैसा कमाते हैं। यहां पहुंचने वाले पर्यटक उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उसे पैसे देते हैं। दीपक ने बताया कि वो एक दिन में 800 से 1000 रुपए तक कमा लेते हैं, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। कुंजवाल ने कांग्रेस के हार के लिए देवेंद्र यादव को ठहराया जिम्मेदार, साजिश का भी लगाया आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से पार्टी नेताओं के बगावती सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता अब प्रदेश प्रभारी और हाईकमान को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब गोविंद सिंह कुजवाल ने भी कांग्रेस के हार के लिए प्रभारी और हाईकमान को जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा कि हरीश रावत और उनके करीबियों को हराने के लिए साजिश रची गई थी। 2 साल से रुड़की सिविल अस्पताल के 3 डॉक्टर लापता, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। रुड़की के सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टरों की ड्यूटी कोविड काल के दौरान यात्रा सीजन में लगी थी, लेकिन दोनों डॉक्टर वहां नहीं पहुंचे और न अस्पताल में ज्वाइन किया। वहीं एक महिला डॉक्टर 2 दिन की छुट्टी का बहाना लेकर गई थी, वो भी आज तक लौट कर वापस नहीं आई। दून के युवक को FB पर युवती से दोस्ती करनी पड़ी महंगी, चैटिंग में अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। सोशल साइट पर अनजान लोगों से दोस्ती करना आपको भी भारी पड़ सकता है, ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के देहरादून जिले से सामने आया, जहां एक युवक को अनजान लड़की से फेसबुक पर दोस्ती करना न सिर्फ अपने पैसे गंवाने पड़े बल्कि लड़की ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। आखिर में परेशान होकर युवक ने अपनी शिकायत साइबर थाने में की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर उतर कर किया विरोध प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल खाने का तेल सहित अब बिजली और कमर्शियल गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मिलकर जमकर हल्ला बोला। काशीपुर में तांत्रिक नाजी, नजाकत पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, भेजा गया जेल। काशीपुर में अधेड़ व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी का नाम हाजी नजाकत है। ये शख्स झाड़ फूक का काम करता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चैत्र अमावस्या, हरिद्वार की नारायणी शिला पर नाराज पितर होते हैं शांत, यह है दोष से मुक्ति का उपाय। हरिद्वार की नारायणी शिला पर पूजा करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। इस कारण अमावस्या के मौके पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग यहां आकर अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि नारायणी शिला पर पितरों को तर्पण करने से अशांत पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। DGP अशोक कुमार की पत्नी ने छेड़ा सुरीला राग, वीडियो में दिखा दोनों का अटूट प्यार।
उत्तराखंड के डीजी अशोक कुमार अक्सर ही अपनी कार्यशैली के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी अलकनंदा की वजह से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। डीजीपी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उनकी पत्नी पहाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में बॉलीवुड लव सॉन्ग गाती दिख रही है। वहीं इस वीडियो में अशोक कुमार भी अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक अंदाज में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलकनंदा का यह सुरीला अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। हल्द्वानी के आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी, 3 महीने ले चुका है 6 लोगों की जान। हल्द्वानी में आतंक का प्राय बन चुके आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी हो चुका है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने आदमखोर बाघ को मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं जिस वक्त मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने आदेश जारी किए, उसी दौरान हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने के नेतृत्व में लोगों ने फतेहपुर रेंज के DFO का घेराव किया। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। कोरोना काल में उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि अभी तक विकलांग व बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कितना हुआ है, 27 अप्रैल तक कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा भी स्टार इमेजिंग पैथ लैब के मामले पर DGP को जांच के आदेश दिए गए। उत्तरकाशी, कूड़ा निस्तारण के लिए एजेंसी से अनुबंध, स्थान का भी जल्द होगा चयन। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के समय में शहर में रोजाना 10 टन के करीब कूड़ा निकलता है, लेकिन शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए अभी तक स्थान का निर्धारण नहीं हो पाया। हालांकि प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए एक एजेंसी के साथ अनुबंध किया है। कूड़ा निस्तारण के लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। रुद्रपुर में आग से एक दर्जन से अधिक झोपड़ियां हुई राख, मवेशी भी झुलसे। पंतनगर स्थित इंदिरा कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते एक दर्जन से अधिक झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने से लोगों के घरों में रखा राशन, कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग से कई मवेशी भी झुलस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 वाहनों द्वारा आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। चारधाम यात्रा, उत्तराखंड पुलिस ने की ट्रैफिक कंट्रोल की विशेष तैयारी, चप्पे चप्पे पर मिलेगी सुविधा। चारधाम यात्रा 2022 को लेकर उत्तराखंड के मित्र पुलिस ने यातायात नियंत्रण की विशेष तैयारी की है। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से जाने वाले लोगों को इस बार जाम से निजात मिलेगी। यातायात निदेशालय ने जाम से निपटने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिसमें यातायात संबंधित विषयों और जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक टीरी अस्मिता ममगाई को गढ़वाल नोडल अधिकारी बनाया गया। श्रीनगर में SDM को स्टोन क्रशर में मिली खामियां, रामनगर में एक्शन में दिखा वन महकमा। सतपुली में संचालित हो रहे एक स्टोन क्रशर प्लांट पर उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने भंडारण का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन की टीम को स्टोन क्रशर प्लांट में काफी खामियां मिली, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने इन खामियों को दूर करने के लिए 8 दिन का समय दिया है। उत्तराखंड के ऑर्गेनिक अदरक पर भारी पड़ रहा बेंगलुरु का जिंजर, पहाड़ के किसान निराश। बेंगलुरु के अदरक ने पहाड़ के गुणकारी अदरक का स्वाद बिगाड़ दिया। पहाड़ के किसान अपने अदरक को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है, क्योंकि उनका अदरक मंडियों में बिक नहीं पा रहा। नैनीताल में कच्चे के ढेर में लगी भीषण आग से जली 2 कार जंगल तक पहुंची लपटे। नैनीताल अपर माल रोड क्षेत्र में कच्चे में ढेर में लगी आग ने 2 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जिस क्षेत्र में आग लगी वहां पर कच्चे के ढेर में किसी शरारती तत्व द्वारा आग लगा दी गई, जिससे अनुमान लगाया गया कि आग पहले गाड़ियों तक पहुंची, उसके बाद जंगल में फैल गई। रुड़की में कार ने 2-पहिया वाहन को मारी टक्कर, फिर मालिक ने लहरा दिया तमंचा। रुड़की में कार और 2-पहिया वाहनों की टक्कर के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। अभी किसी पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है, वहीं पुलिस मामले को शांत करने में जुटी हुई है। 22 मई को खुलेंगे सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट, सभी तैयारियां पूरी। सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई दिन रविवार को 10:30 बजे खुलेंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास बर्फ से ढके रास्तों को खोला जा चुका है। नैनीताल की अपूर्वा ने SSCW न्यायाधीश परीक्षा में पाए देश में सर्वोच्च स्थान। नैनीताल की अपूर्वा शाह ने ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित भारतीय सेना की SSCW जज की परीक्षा में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिजन काफी खुश है। वहीं अपूर्वा के पिता अखिल शाह नैनीताल जिला कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है और मां संगीता शाह गृहिणी है। 20 साल में पहली बार स्थायी होंगे प्राथमिक शिक्षक, कवायद तेज। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूची में बीरोखाल ब्लॉक के 165 शिक्षकों का स्थायीकरण किया गया है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 20 साल में पहली बार शिक्षकों का स्थायीकरण हुआ है। साइबर ठगों ने महिला को लगाई चपत, आप भी रहे सावधान। साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। ठगी के लिए हर दिन नया तरीका खोज निकालते हैं। ऐसा एक मामला लोहाघाट में सामने आया है। क्षेत्र में एक महिला से अज्ञात साइबर ठग ने लगभग 1 लाख का ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने लोहाघाट थाने में अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ तहरीर दी है। कोटद्वार पुलिस ने 7 महीने से फरार गैंगस्टर को किया गिरफ्तार।
कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने 7 महीने से फरार गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जब से आरोपी फरार हुआ था तब से पुलिस उसकी तलाश में थी। पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया था, लेकिन काफी समय से वो जाल में फंस नहीं पा रहा, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कोटद्वार कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट की विवेचना थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला द्वारा संपादित की जा रही थी। नाबालिग के साथ कई बार रेप किया गर्भवती आरोपी को 20 साल की सजा। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विशेष स्पेशल जज अश्विनी गौड़ की कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने में से 30,000 पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।